हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरो के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बना रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले क्रिकेट का महाकुंभ यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि 22 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है। रिसेंटली कुछ मैच भी हो गए, जहां पे हर एक मैच में हर एक टीम का काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस भी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले टूर्नामेंट के 28वें मैच की, जो कि दो ऐसी टीम्स के बीच में खेला जाएगा जिसको गौतम गंभीर भी कोच कर चुके हैं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। एक तरफ जहां पे कोलकाता नाइट राइडर्स है, तो ही दूसरी साइड लखनऊ सुपर जायंट्स है, जो कि पिछले साल तक गौतम लखनऊ के साथ थे, तो इस बार वो अपनी पुरानी टीम कोलकाता से जुड़ गए हैं। यह मैच आपको 14 अप्रैल को कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेट खेला जाएगा। यह लगभग 20 दिन बाद यहाँ पे कोलकाता मैच खेलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन का अपडेट चाहिए तो हमारी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। अब बात करते हैं, चलते दोनों टीमों का हेड टू हेड देखते हैं, जहाँ पे दोनों के बीच में टोटल 3 मैच खेले गए, जिसमें से कोलकाता 0 मैच जीत के आ रही है, वहीं पर लखनऊ 3 मैच जीत के आ रही है। अब बात करते हैं इनके वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन में मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 53% रहेगा और टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं इनके पिच रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे ईडन गार्डन के पिच सामान्य तौर पे स्पिन बॉलर्स को थोड़ा सा हेल्प करती है, लेकिन पिच बैटिंग के लिए भी अच्छी है। पहली बार जब यहाँ हैदराबाद और कोलकाता का मैच हुआ था, तो उसमें दोनों टीम ने लगभग 200+ रन बनाए थे। टॉस जीतकर टीम यहाँ पहले बॉलिंग करना पसंद करेगी। अब बात करते हैं इनके विनिंग परसेंट देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फास्ट का यहाँ पे 38% जीतने का चांस है, तो वहीं बॉलिंग फास्ट का यहाँ पे 60% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं इनके अवेज स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग का अवेज स्कोर 164 है, तो वहीं पे सेकंड इनिंग का अवेज स्कोर 150 है। अब अगर बात करते हैं, चलते हैं पहली टीम यानी कोलकाता नाइट राइडर्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे टीम ने टूर्नामेंट का बेस्ट परफॉर्मेंस करके आगे बढ़ रही है। टीम में एक पॉजिटिव अप्रोच भी दिखाई दे रहा है, टीम खुलकर भी खेल रही है। लगातार 3 मैच जीतने के बाद लास्ट में टीम जो कि चेन्नई से हार मिली थी, लेकिन इस बार हार से टीम को खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। टीम हार डिपार्टमेंट में हिट है, गौतम गंभीर की वापसी का असर टीम में दिख रहा है। ओपनिंग में बात करेंगे जो कि फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण की जोड़ी देखने को मिल रही है, जो कि दोनों मिलकर ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं, जहाँ पे टीम को पावर प्ले में दोनों मिलकर अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं। वहीं नंबर 3 पर जहाँ पे एंग्रीस रघुवंशी जो कि अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में जहाँ पे वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर टीम को स्टेबल करते हैं। श्रेयस अय्यर जब तेज गति से भी रन बनाना होगा, रिंकू सिंह एंड्रे रसल जो तावर तोवर बैटिंग भी कर रहे हैं, दोनों किसी भी बॉलिंग अटैक को तहस नहस कर सकते हैं। वहीं अगर बॉलिंग में बात करें जो कि मिचेल स्टार्क जो कि अब तक फॉर्म में नहीं आए, उन्हें विकेट नहीं मिल रहा, जहाँ पे हर्षित राणा जो टीम के टॉप विकेट टेकर है, उन्होंने अब तक 5 विकेट लिए। यहाँ पे वैभव वरुणा लास्ट गेम में 2 विकेट लिए थे। स्पिन बॉलिंग में सुनील नारायण वरुण चक्रवर्ती भी विकेट लेना चाहेंगे, वहीं पर अंकुर को जो कि लास्ट गेम में चांस मिला था। बात करते हैं कोलकाता को प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि फिलिप सॉल्ट है, सुनील नारायण है, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह है, एंग्रीस रघुवंशी है, एंड्रे रसेल है, वैभव अरोड़ा है, वरुण चक्रवर्ती, अनुकूल रॉय, मिचेल स्टार्क है। इंपैक्ट प्लेयर में बात करेंगे जो कि हर्षित राणा, सुरेश शर्मा, मनीष पांडे, गुरबाज है और अमनदीप है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जो कि एंड्रे रसेल है, सुनील नारायण है और हर्षित राणा है। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी लखनऊ सुपर जायंट्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पर टूर्नामेंट टीम ने अब तक अच्छा परफॉर्मेंस किया। टीम एक हार के बाद लगातार 3 मैच जीत कर आ रही है। टीम को प्लेइंग 11 में 1-2 बदलाव भी करना हो सकता है। टीम के लिए ओपनिंग में जहाँ पे डीकॉक को केएल राहुल कर रहे हैं, नंबर 3 पर जहाँ पे डबदक पडिकल को लगातार मौका भी मिल रहा है, लेकिन वो अब तक आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं पे आविश बदोनी जो कि अब तक टीम के लिए रन नहीं बना पाए। लोअर ऑर्डर में जहाँ पे मार्कस स्टोनिस और निकोलस पुरन जो कि वो दोनों मिलकर रन बना रहे हैं, वहीं निकोलस टीम के लीडिंग रन स्कोर भी है। टीम की बॉलिंग बहुत ही स्ट्रांग है, यश ठाकुर जो कि लगातार लाइन लेंथ से बॉलिंग भी डाल रहे हैं। कत्ता के पिच को देखते हुए एक्सपीरियंस स्पिनर अमित मिश्रा को टीम में मौका दे सकती है, वहीं पर नवीन उलोक के जगह इस मैच में आपको टीम वेस्टइंडीज के समर जोसेफ को चांस दे सकती है। यहाँ पे स्पिन बॉलिंग में रवि बिश्नोई और कुणाल पंड्या लगातार विकेट ले रहे हैं, जहाँ पे मयंक यादव इंजरी के चलते नेक्स्ट कुछ मैचों से बाहर रहेंगे। अब बात करते हैं लखनऊ का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि क्वेंटन डिकॉक है, केएल राहुल है, देवदत्त पडिक्कल है, निकोलस पुरन, आयुष बदोनी, मार्कस स्टोनिस, कुणाल पांड्या, रवि बिश्नोई, सेमा जोसेफ, मोहसिन खान, यश ठाकुर। वहीं अगर इंपैक्ट प्लेयर में बात करेंगे जो कि नवीन उल्लाक है, एम सिद्धार्थ, अमित मिश्रा, दीपक हुड्डा, अरशद खान है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात की जाए जो कि केएल राहुल है, निकोलस पुरन है, यश ठाकुर है, तो
तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं टॉस विनर के। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे टॉस विनर कोलकाता होगा, वहीं अगर मैच विनर की बात किया जाए तो यहाँ पे मैच विनर भी कोलकाता होगा। यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बना रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।